अतः षष्ठी विभक्ति विषमदस्मद से षष्ठी गस कोस आम में गस आता है तो सूत्र लग रहा है तव ममौ गसी अन्योर अपर्यंत से तव ममौ स्तो गसी प्राप्त किया था तमाव एक वचन अम जो है आदेश प्राप्त उसको बाद करके तव मम आदेश करने के लिए सूत्र आरंभ किया। विषम दसवें शब्दों के अपर्यंत के स्थान में क्रमशः तवर मम आदेश होगा गस के पर रखते हुए और गस के स्थान में भी आदेश करना है उसके लिए सूत्र ला रहे विषम दसवत व्याम गसोश विषम दसवत व्याम पंचमी का द्विवचन गसा षष्ठी एक वचन अष्टप्रथमा तमो में प्रथमा द्विवचन तक गसी सप्तमी का एक वचन स्पष्टम कर दिया। अशेषित अश है उपदेश कालीन शकारित संज्ञा हो जाएगा आ बचेगा शिक्ता सर्वादेश हो गया गस पूर्ण कोई अ हो गया तव अद अ मम अद अ यदि पूरे शेषलोप से पूरा अद्लोप करोगे तो एक बार अतोड़ पूर्व लगा देंगे तव मम बन जाएगा एक अंत दकार लोप करेंगे तो दो बार डालना पड़ेगा अतोड़े पूर्व को लगाओ तो तव मम बन जाएगा। ये तव मम युवयो हो आवयो यहाँ पर कोई कार्य नहीं है ना ओस है ओस के परते हुए युवा द्विवचने योर आवादेश हो गया युवा आवादेश अध दकार को योची ओस के स्थान में कोई आदेश हुआ नहीं अनादेश वाला होने से योची हो गया दकार विकार अतोड़े प्रूप युव आवय है ओस मिला दीजिए युव यो आवय हो गया साम आकम साम आकम साम षष्ठी एक वचन आकम प्रथमा का एक वचन आप्याम पर साम आकम आदेश इनसे मनीषम तत्व से परम आया वा साम को आकम आदेश हो जाएगा। विचार बहुत है यहाँ पर साम होगा कैसे हुआ ही नहीं क्योंकि ईश्वर है हलंत हलंत से बड़े आम को सुट तो हो नहीं सकता और दलोप मात्र पक्ष मानेंगे तो अदंत दलोप के बाद होगा दलोप होने के बाद जब अदंत होगा तब सासुट हो सकता है उसके बाद आकम करेंगे आप इसलिए हो नहीं सकता है कार्य तब कहते भावी न सुट्टो निवृत्त ससुट का निर्देश भावी जो सुट्टे है यदि पहले हम आम आकम कहते आम को आकम आदेश कर देते उसके बाद जो आकम आदेश करने के बाद दकार लोप हो जाता है इधर दकार लोप होने के बाद में अदम तत्पात आकम को स्थानित भाव करके आम पर मान करके सुट होने लगे भविष्य में संभावित सुट प्राप्त जो सुट है उसे निवारण करने के लिए पहले से ही उसको सुट सहित आम को आकम करो बोल दिया सुटो निवृत्ति अर्थम ससुट का निर्देश युष्माकम अस्माकम सब में सीधा है त्वयी मयी कामावे का वचन सूत्र लग गया त्वयी तो आदेश हो गया योची यकारो करके त्वयी मई बनता है युवयो आवयो में पूर्व कार्य युष्मासु अस्माशु में आत्थ हो गया कौन सूत्र से युषम दसम दो अनादेश ये सूत्र आत्व करता है जकार से आत्वे सवर्ण दीर्घ सती युषमास उष्मास इसके बाद जो बताया था अभी वचन शब्द का अर्थ क्या है पारिभाषिक नहीं लेना यौगिक लेना उसका फल बताने के लिए समासों को लेकर बोलेंगे अतः षष्ठी वक्ति तव ममौ गसी विषमेश्वर आदेश विषमेश्वरी अनुवर्तते विषमदेश्वर अनादेश विषमदृति अनुवर्तते मपर्यंत सीतेधिकृतम तदा अनयोरिति विषमदस्मदृत्य तमादेक वचने इत्यस्य अपवाद इसका अपवाद है विषमदस्वद्यां गसो अश स्पष्टां कहते विषमदस्वद्यां परस्य गसः अस्यादिति सुगमम् इत्यर्थः अर्थ में कोई विशेष न होने से स्पष्ट कर दिया शित्वात सर्वादेश हो गया तो ममति विषमदास असमदास स्थिति में
अपरिंत सतोमम आदेश यो कृतयो, उसके बाद क्या किया वहां आशादेश कर दिया, दकारात पूर्वयो रकारयो परूपे, दकार से पूर्व जकारों को परूप कर दो, केवल द लोप करने से भी चलेगा, अतः पूरे अध का लोप कर दो तो भी रूप बन जाएगा। अंत्य लोप पक्षे दकार लोप, तब क्या होगा त्रयाणाम अकाराणाम परूप, तीन अकारों परूप करने पड़ जाएगा। और ये अध पूरे का लोप करोगे तो दो अकारों का परूप हो जाएगा, जो अष्टाकार है वहां यहां तव के आकार है। परूपमिति भाव युवयो आवयोरिति युष्मदोष अस्मदोष इसिते मपर्यंत युवावादेशयो योचिति दस यत्ते परूपमिति भाव सामाकं आभ्यामिति युष्मदसद्भ्याम गसवाश इति तस् तदनुवृत्तेरिति भाव साम इति सकारेण सहित आम इति साम तस् इत्यर्थः। ससुट कस्य आम इतिवत, सुट सहित को ही आम को लिया गया, सुट सहित आम क्यों लिया गया बता रहे ननो, विचार करेंगे तो उचित नहीं आपने जो कहा है, क्यों, क्योंकि युष्मत आम अस्मत दाम इति सिद्ध है, अवर्णात परत्वाभावात सुट न प्रसक्ति, वो तो अवर्णान से करता है, अवर्णा सर्वनाम को ही वीतस्य आम सुडागम से आम ही सर्वनाम सुटे कहा है, तो आप कैसे कर रहे हो यहाँ ये प्रश्न उठा। न च शेषे लोप इति दस्य लोपे करते अवर्णात परत्वमस्ति, ऐसा यदि कहे कहे हमने दकार मात्र लोप कर दूंगा अवर्णांत हो जाएगा ना, तब इति न वाच्यम आकम आदेशात प्राग अनादेशतया शेष लोपस्य एव अत्र प्रसक्ते है, आकम आदेश के बिना आप जो है शेष लोप प्रवृत्ति नहीं कर सकते, आकम आदेश हो जाएगा तो अनादेश नहीं रह जाएगा, वो आदेश वाला हो जाएगा, तो आकमाशत प्राग अनादेशतया अनादेश वाला होने से शेष लोप से ही वत्र प्रसक्ते है, इसलिए ससुटक निर्देश अनुपन्न व्यर्थश्च उपन्न भी नहीं है व्यर्थ भी है इतताह भाविनीति, भावी दृष्टिकोण से कह दिया हमने, सुट सहित कह दिया गया। पूर्व में कहना आत्यत्व निमित्त इतर विभक्त परतः, आत्म और यत्व जो कामना है आपकी प्रकृति में उसके निमित्त से भिन्न निमित्त के परते हुए ईश्वर अस्मत को ही अंत्य होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जहां प्रकृति में कोई आदेश नहीं हुआ, अनादेश अवस्था में प्रत्येक अनादेश प्रकृति को नहीं, जिसको आगे के सूत्र में अन्य आदेश और करके ही लिया है, उसको ध्यान में रखकर बात कह रहे हैं। भावि नहीं थी भविष्य इत्यर्थ, यदि तो आम आकम इति उच्चेत, अरे मान लीजिए आम आकम ऐसे सूत्र बना दिए होते पाणिनि जी, तरी आम आकामाश कृते दकार से शेष लोपे सती स्थानिवत्वेन आकामाश आमत्वात् तस्य अवर्णात् परत्वात् सुडागमस्य, तब तो सुडागम होने कोई आपत्ति नहीं थी। ततः एतु सत्वयोर् सुट होता तो क्या समस्या होता, रूप बनता युष्माकम नहीं बनता, किंतु एत हो जाएगा भोजने झले और शक्त हो जाएगा रूप बनेगा, ये क्या बनेगा तो बता रहे, देखिए स्वयं लिख रहे युष्मेशाकम अस्मेशाकम इति स्यात्, अतः ससुट कर देशा, ये ना हो इसलिए सुट सहिताम दिखाया है पाणिनि ने। यद्यपि आकम आदेश प्रकृति का प्रवृत्ति काले सुटो न प्रसन्न, आपका कहना बिल्कुल शंका ठीक था कि यद्यपि आगम आदेश की प्रवृत्ति काल में सुट का जो है प्रसक्ति नहीं है, तथापि आगम आदेश उत्तरम दकार लोप ही कृते, आगम आदेश उत्तर काल में दकार लोप होने पर जो स्थानवत्व यह सुट भविष्य स्थान से जो सुट होने की संभावना है तस्यापि स्थान षष्ठी स्वीकरणात्, उसको भी आप पाणि ने स्थान षष्ठी से संग्रह कर लिया, इसीलिए निवृत्ति भवति सुट की निवृत्ति हो जाएगी, यह लाभ है। अन्यथा ससुट का निर्देश व्यर्थ्यात् ससुट निर्देश करना पाणिनि के द्वारा व्यर्थ हो जाएगा, ये तो शेष से लोप ये वाच लेते, यदि अर्थ पूरे के लोप क्या ही आप ले लोगे पूरे अर्थ का लोप, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तदा कृते भी आकम आदेशे अधो लोपे अवर्णात् परत अभावादेव सुट प्रसक्त अभावात् ससुट निर्देशो मास्त,
यदि वही मुख्य सिद्धांत बना लेते, एक ही सिद्धांत विकल्प ना होता, अधलोप में विकल्प ना होता, फिर तो पाणिनि साम नहीं कहते, आमा कमी कह देते, क्योंकि वहां विकल्प है लक्षण रो देना। कहीं अद कर्मात्र को हम लोप करते हैं, कहीं अद बुरे को लोप करना होता है, इसको ध्यान रखते हुए सामक कह दिया पाणिनि। युष्माकम अस्माकम इति आकमाश कृते अधोलोपे रूप दकार लोपे तो सवर्ण दीर्घ, ये तदर्थ में दीर्घ उच्चारण, इसके लिए ही यहाँ दीर्घ उच्चारण भी किया गया है, आकम करके दीर्घ किया। नहीं तो यहाँ पे बोलते साम अकम, तो अकम क्या कार है, उधर जो है दकार मात्र लोप हुआ, युष्मा स्मा है ही है, अकसण दीर्घ हो जाएगा, अकार उच्चारण सामर्थ्य पर रूप नहीं होगा, तो अकसण दीर्घ हो सकता है, ऐसा कह कहे कहते नहीं नहीं अन्यथा पुरुपापत्ति है, दीर्घोच्चारण अन्यथा पुरुपापत्ति है। यदि कोई कहे नचा अकार उच्चारण सामर्थ्य देव पुरुप निराश, अकार जो सामर्थ्य पुरुप निराश हो जाएगा, ऐसा मत कहो, क्यों, क्योंकि अकार यदि ना होता तो क्या होता, कम, और आधोन ना होता तो क्या रूप बनता, आदेश होता, कम आदेश होता, कम आदेश प्राप्त भोचरे झलिए, कम यदि आदेश कर देते तो कौ क्या आ जाएगा, जला देंगे, भोजन चले तो हो जाएगा। इति हेतु निवृत्तिया, उस हेतु की निवृत्ति करने के लिए ही अ का उच्चारण हुआ है। अच्छा अकम यदि हम कहते अ का फल क्या था, पर रूप निराश नहीं, अ का फल था संभावित छल आदि को निवृत्त करना। अकम कहने का फल में जो अ का उच्चारण करने का फल क्या है, यदि हम कम कहते तो भोजन जलित हो जाता, वह न होवे इसलिए अकम कहना है। अतः अ का फल परूप निराश नहीं है, इसलिए अकम कहने के बावजूद भी परूप प्रवृत्त हो सकता था, वह न हो इसलिए क्या कहा, आकम दीर्घ कहा। प्राप्त भोजन जलित हेतु निवृत्तिया चरितार्थवादिति अलम तत्वबोधनी में थोड़ा सा कह रहे हैं, किशोर संघ सोष क्षिप्तम सर्वादेशार्थम अन्यथा ही आदे प्रसिद्धि स्यात, नहीं तो आदे पर से लग जाता पंचमी थी यशोदशोभ्या न च अकार से अकार विधान वैयर्थ्यम। मान लो अगर पंचमी के निर्देश अगर आप आदे पर से लाओगे तो भी आदे पर से लाना व्यर्थ है, क्योंकि गस में क्या बचा है, गस में अस बचा है, और आदे पर से लगा करके आप अकार आदेश करोगे किस किस स्थान पर करोगे, अस के आकार को, तो आकार को आकार करने का क्या फल है, व्यर्थ कर गया, आधे पर से प्रवृत्ति नहीं होगा, ऐसा यदि कोई कहे तो कहते ना ऐसा नहीं है, कहते आदेश व्यपदेश है ना यत्व निवृत्ति तथा आदेश के बहाने से यत्व निवृत्ति करना ही सबसे बड़ा फल है। ये अनादेश में क्या होता है, योची केवल अस होता तो योची लग जाता, यत्व को निवृत्त करने के लिए अकोम कर देंगे, आदेश वाला हो जाएगा ना, अनादेश नहीं रहेगा तो योची नहीं है लगेगा, ये लाभ है, अ को अ करने का भी लाभ दिख रहा है। न च अवयवस्य आदेश सत्यपि विभक्तिरनादेशता अस्त्येव, तो ये कह सकता फिर भी अरे एक अवयव को आपने आदेश किया, विभक्ति पूरे के स्थान पर तो कोई आदेश हुआ नहीं, इसलिए फिर भी अनादेश माना जाएगा, अ को करने पर भी अनादेश माना जाएगा, क्योंकि एक अवयव को आदेश करने से संपूर्ण विभक्ति को आदेश हो गया ऐसा नहीं माना जा सकता। इतना वाच्यन सर्वे सर्व पदादेशः इति सिद्धांता, सिद्धांत ये कि एक अवयव में विकार हो गया तो भी पूरे पद में विकार मान लिया गया, एक अक्षर एक मात्रा का विकार कर दिया आपने तो पद में विकार मान लिया जाता है, अतएव अस के अकार मात्र को आदेश करेंगे तो भी उसको अनादेश नहीं माना जाएगा, आदेश माना जाएगा। इदमेव शित्तम ज्ञाप, इसमें क्या प्रमाण है सर्वे सर्व पदादेशा में, कहते यह शित्व ही ज्ञापन कराया है इस परिभाषा को, सर्वे सर्वपदादेश अर्थवती एवं स्थानीय आदेश भाव विश्रांतरित करता, मैंने अर्थवान में ही स्थानीय का भी आदेश का भी, क्योंकि एक अवय में आपने कोई आदेश कर दिया उस अर्थ थोड़ा बदल जाएगा, अर्थ तो वही रहेगा ना, स्थानीय जैसा था उससे विशिष्ट संपूर्ण का जो अर्थ था उसमें एक अवयव में कोई विकार करते हैं कोई आदेश आगम कुछ भी करते हैं तो भी उसका अर्थ तो वही का वही रहेगा, अंतर नहीं करता, वही का वही है मानेंगे, वही अर्थ रहेगा पूरा उसका।
सुचंगादेस्तु वचन सामर्थ्याद अनर्थकस्यापि भवन्ति इति मनोरमायां स्थितम्। जहाँ तक सुच का सवाल है, चंग है ना, सुच को चंग आदेश हो जाता है, चंगी से जिताधिकारी होते हैं, लेकिन चंग आया गया उसे कोई फल ही नहीं हुआ, अर्थकृत कोई फल तो है नहीं। तक कहते कि देखो वचन सामर्थ्याद वहाँ अनर्थक होने के बावजूद भी उनको हम करते हैं, तदृष्ट अंग संज्ञा आदि कार्य किया जाता है, ऐसे मनोरमा में कहा गया। तो ममी ननो अंतिलोप पक्षे अशह स्य आदेश ऐसा पाठ करना है। वो क्या कह रहा है, आपने गस को अश कर दिया, गस को अश कर दिया, सर्वादेश अगर अकार मात्र बैठा हुआ है कोई आपत्ति नहीं होगा, या अंतिलोप जब करूंगा शिष्य लोग से दकार लोप कर दूंगा तो अदंत हो जाएगा ना, टांग से समय नाक्षा लग जाएगा। तो गस को अ हुआ था, अ के स्थान में भी स्य आदेश हो जाएगा, ये कह रहा है स्य आदेश निवृत्त्यर्थतया अश्वविधान से चरितार्थ, कि यत्तु का निवृत्त करके ही अश्वविधि अपने आप सार्थक हो चुका है। न च स्य आदेश अपवादो अश्विधि न वाच्य, स्य आदेश का अपवाद अश है ऐसा भी नहीं कह सकते आप, क्यों अश आदेश प्रवृत्ति काले शेषे लोप अभाव है ना स्यादेश सकते, क्योंकि पहले स्यादेश की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि हलंत युष्मत अस्मत, जब दकार लोप करूंगा तब ना स्यादेश की प्राप्ति की संभावना बन रहा है, उससे पहले तो है नहीं, जब तो हलंत है वहां, इसलिए अत्राह अंगवृत परिभाषया स्यादेशो वारणीय, एक ही तरीका है अंगवृत परिभाषा को निवारण करना पड़ेगा। जिसको निमित्त मान करके एक अंग कार्य हुआ है उसी निमित्त को मानकर उसी अंग में दूसरा कार्य करना होगा तो वहां लागू नहीं होगा। यहाँ पर क्या किया, पहले एक कार्य आपने प्रत्यक्ष निमित्त मान के दकार तो लोप किया उस अंग में, और उसी अंग में आप को लेकर के आप क्या कर रहे हैं दूसरा कार्य करना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि अंग में है नहीं कार्य नहीं। यहाँ पर वो कहा था ना अंगनिष्ठ कार्य होना चाहिए ना, यहाँ शिव कहाँ हो रहा है प्रत्यय में हो रहा है, तब कहीं कोई आपत्ति नहीं। अंग संज्ञा निमित्त जो कार्य है प्रत्यय के जगह पहले क्या हुआ था अश्व था, और प्रत्येक स्थान में क्या हो रहा है अभी स्य हो रहा है, इसलिए एक ही के स्थान में दो, चाहे अंग में हो रहा हो चाहे प्रत्यय में हो रहा हो, प्रत्ययाधिकरणक है अंग संज्ञा निमित्त से या अंगाधिकरणक है प्रत्यय निमित्त से, दोनों ही दिशा में अंगवृत परिभाषा रोक देता है। यदि तो अंग से यद कार्य तद विषयिणी एव, यदि कोई ऐसा करे उसको फिर अंग में ही ऐसा होता है तो वो परिभाषा लगेगा, ये तो प्रत्यय में हो रहा है आशादेश और सिया, ये वसा परिभाषा न तो अंगाधिकार परा इति दुराग्रह, यदि कोई ऐसा करता है तरी अश्वित्यत्र अतोगुणित परूपेण अकारांतरम प्रश्लिष्य, अब क्या करना वहां पर अश में एक अकार शुरू में आदि में बैठा हुआ है और अश है अतोगुणित परूप हो रखा है छिपा हुआ है वहां पे प्रश्लेष, ऐसा मानिए परूपेण अकारांतरम प्रश्लिष्य अकार रूप एव अश भवति न तो विक्रियते इति व्याख्या, तो अकार रूप ही अश रहेगा अर्थात सियादि से विकार होगा नहीं, यह अर्थ निकालेंगे हम, श्रूयमाण अकार रूपी अश आदेश होगा तब सियादि आदेश नहीं हो सकता। ननु आकम आदेशात पूर्वम, अब आप साम आकम में लौटा दू, अनादेशत्ता योचित यत्वे न भाव्यम तस्य शेषे लोप अभावाद अवर्णांत इति विद्यमानस्य सुडागमस्य अप्रसक्त्या साम इति सुसुट निर्देशो व्यर्थितताः भाविने इति, वही बात करें कोई विशेष नहीं है। कृते शेषे लोपे अकारांतत्वात् प्राप्त सुट सुसुट कस्य स्थानित्व निर्देश सामर्थ्यात् निवर्तते इति भाव, शेष लोप स्टीलोप इति पक्षे तो सुट ग्रहण व्यर्थमेव, आम आकम का नहीं पर्याप्त है, आकम इति दीर्घोच्चारण स्वर्ण दीर्घार्थम अन्यथा पूर्व स्यात् न च अकार उच्चारण सामर्थ्यम, अकार उच्चारण सामर्थ्य नहीं कहना, फिर यत्व निवृत्तिया अभ्यम इव चरितार्थ, जैसे अभ्यम में अकार जो है यत्व बहुचन जल से प्राप्त यत्व की निवृत्ति करने के लिए था, उसी प्रकार यहाँ पर भी अकम का भी अकार यत्व निवृत्ति में चरितार्थ हो जाता है। ये युवावोद्योचने
अब आता है उसमें समास को लेकर के, तो मूल में पहले जाइए तो विचार करें, तो सप्तमी का निपटा हो तो वही मई थी, उसके बाद उसमें जाना है। उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं तत्वबोधि कार, तो सप्तमी में कुछ नहीं कहा है, तो वही मई थी। युष्मदी अस्मदी स्थित है मपर्यंत सत्मादेश योचिति दस्य यत्वे अरूपे रूपमिति भावः। युवयोर में कोई कार्य नहीं, प्रागवत युष्मा हुई थी, युष्मदस्मरणादेश दकार से आत्वे स्वर्ण दीर्घे इति भाव, तुम्हारे एक वचने। अब आता है उस समास को लेकर के, तुम्हारे एक वचन इत्यत्र और युवाव द्विवचने इत्यत्र, इन दो स्थलों में एक वचन द्विवचन शब्द यौगिको, आपने कहा था इन दोनों जगह में जो वचन शब्द आया है, एक वचन शब्द और द्विवचन शब्द, वचन रूपी अधिक ग्रहण करने से सामर्थ्य से ज्ञापन हुआ था, वह यौगिक है, पारिभाषिक संज्ञा नहीं लेना। एक वचन शब्द न तो प्रत्यय परो इति स्थितम तत्फलम श्लोक चतुष्टयेन संगृह्णाति। अब ऐसा कथन करने का पीछे क्या फल है, इसी को यहाँ चार श्लोकों से बताए। समस्यमाने द्वेकत्व वाचनी युष्मदस्मदी समासार्थवन्य संख्यश्चेत् स्थूयुवावौ त्वमावपि सूजस्गेङस्सु परत आदेशास्य सदैव ते बाहो यूयवयौ तुभ्यं मह्यौ त्वममाविति। एते प्रत्यद्बाधन्ते युवावौ विषये स्वके त्वमावपि प्रबाधन्ते पूर्वी प्रतिषेधतः वेग संख्या समासार्थो बहुभर्ते युष्मदस्मदी तयोरद्वेकतार्थत्वात् नैवावौ त्वमौचन। समस्यमाने द्वेकत्ववाचिनी युष्मदस्मदी, समास के विग्रह वाक्य में आप युष्मद और स्मद एक वचन लेकर विग्रह वाक्य करते हैं तो, द्विवचन विग्रह वाक्य रख करके करते हैं तो, समासार्थो अन्य संख्या इन समस्यमान जो पदार्थ है, जो समास के अंदर बोध्य जो पदार्थ है वह अन्य संख्या है, इनका एक वचन है उनका भी एक वचन होना कोई जरूरी नहीं, इनका द्विवचन है उनका भी द्विवचन होना कोई जरूरी नहीं। यहाँ विग्रह वाक्य में युष्मद और अस्मद को एक वचन भले ही प्रयोग कर रहा हूँ, इन समस्या समास किया गया और बोध्य जो समास के अंदर बोध्य जो पदार्थ है उसका संख्या अन्यश्चेत, अन्य संख्याश्चेत, अन्य संख्या हुए तो युवावो त्वमावपी, तब भी युवावो आदेश भी हो जाएगा त्वमा भी आदेश हो जाएगा एक वचन में। सूजस गे गसु परत आदेशास्यु, और आदेश कहाँ होंगे, सूजस गे गसु परत आदेशास्यु हो सदैवते, सदा ही होगा, नित्य ही आदेश होगा। त्वाहो यूयवयो तुभ्यमय्यो तममो इति एते, ये जो चार है सूत्र, सु के जब क्या हो गए त्वाहो युजवयो जस के लिए, तुभ्यमय्यो ये का है, तममो गस का, ये सदा ही होंगे। क्यों होंगे ऐसे सदा, ये ते प्रताद बादंदे युवावो विषय प्राप्त युवावो द्विवचन इत्यादि के विषय में ये जो है बाद देते हैं अपने विषय में, त्वमावपि प्रबाधन्ते और त्वम को भी बाधित किया जाएगा, त्वमाव एक वचने को भी, क्यों पूर्व प्रषेधता, कहीं पूर्व प्रषेध होता है कहीं पर प्रषेध होता है, लक्षण रो देना। द्वेक संख्य समासार्थो, मान लीजिए समस्त पदार्थ जो अन्य पदार्थ है उसमें द्वित्व है, वो अन्य पदार्थ में एकत्व है, लेकिन जब समास विग्रह वाक्य में युष्मद अस्मद किया था बहुवचन कर दिया आपने, हैं द्विवेक संख्य समासार्थो, अब बवर्त कहाँ है युष्मद अस्मदी विग्रह वाक्य में, तयोर अद्वेकार्थत्वात्, यानी यहाँ युष्मद अस्मद द्वित्व और एकत्व को बोध नहीं करा रहे, इसलिए न युवावो तुमौचन, युवावो भी नहीं लगेगा तुमो भी नहीं लगेगा तुभी मई भी नहीं, कोई चीज नहीं लगेगी। ये संक्षेप अर्थ हो गया, विस्तार देखिए टीका में विग्रह वाक्य वगैरह करके दिखाएंगे। समस्य माने तत्र प्रथम श्लोके चेद इति अनंतरम अपि इति अध्यार्या, चेद के बाद अपि को अध्यार करना, यदि
समस्यमान युष्मद अस्मद, समास के विग्रह वाक्य में विद्यमान जो युष्मद अस्मद कैसे हैं, द्वेकत्वाचनी, द्वित्व और एकत्व का कथन कर रहे हैं। तदा समासार्थ अन्य संख्यश्चेत, इन समस्यमान पदार्थ के अंदर बोध जो समस्त पदार्थ है वो अन्य संख्या वाला होगा, तो युवावो तुमो अपि स्थः इत्यन्वयः, ये सब आदेश होंगे। त्वाम माम व अतिक्रांत, देखिए दृष्टांत दे रहे हैं, त्वाम माम व अतिक्रांत, ये विग्रह वाक्य एक वचन है, अन्य पदार्थ भी एक वचन है। त्वाम माम व अतिक्रांतौ, विग्रह वाक्य में एक वचन है, अन्य पदार्थ द्विवचन हो गया। त्वाम माम व अतिक्रांताः, अन्य पदार्थ बहुवचन हो गया, विग्रह वाक्य में एक वचन त्वाम माम। इसी प्रकार से विग्रह वाक्य में द्विवचन होगा, जैसे युवाम आवाम व अतिक्रांतः, अतिक्रांतौ, अतिक्रांताः, अन्य पदार्थ वाले एक वचन हो, वाले द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो। यानी यहाँ आपने विग्रह वाक्य में युवा और आवा को लेकर के कर दिया, युवाम आवाम कर विग्रह वाक्य में ले लिया है। ऐसी विग्रह अत्यधिक्रांत्याद्यर्थ समासम लभमाने युष्मद् अस्मदि द्वित्वैकत्व अन्यत्र विशिष्टार्थवाचिनी यदा, इसे यहाँ पर युष्मद् अस्मदि कैसे है, या तो द्वित्ववाची है या एकत्व अन्य तरह से विशिष्टार्थ का वाचक होने के कारण से, तदा समस्या समासार्थो मुख्य विशेषभूत, समासार्थ भले मुख्य विशेष है, तत्पुरुष समास है, यानी कि यहाँ अन्य पदार्थ गौण हो गए समस्यमान पदार्थ, यहाँ तो समस्यमान पदार्थ भी मुख्य है, अन्य पदार्थ भी, यहाँ जो समस्त पदार्थ वो भी मुख्य ही है, मुख्य विशेष है। अन्य संख्याश्चेत, लेकिन वो अन्य संख्या वाला भले ही हो, अपी इसलिए अपी अध्ययन किया, अन्य संख्याश्चेत अपी अपी युष्मद् अस्मद् अर्थगत संख्यापेक्षया अन्य संख्या कश्चेदपि, युष्मद् अस्मद्गत संख्यापेक्षा अपेक्षा से अन्य संख्या हो या न हो, समान संख्या हो तो अन्य संख्या तो भी, इसलिए अपि लिया। अपि अन्य संख्या कश्चेदपि युष्मद् अस्मदर्थगत द्वित्वे, युष्मद्गत द्वित्व है तो युवाओ, तदर्थगत एकत्वे तो मौच, द्विवचन एक वचन प्रत्यप्रत्व भावे भी भवत, भले पर में द्विवचन प्रत्यय नहीं है एक वचन है, और पर में एक वचन नहीं है द्विवचन है, तो भी ऐसा आदेश हो जाए। युवावादेश विधो द्विवचन शब्द से तमाश विधो एक वचन शब्द से च यौगिकत्व आश्रयणार्थ, इसलिए कि उन सूत्रों में हमने यौगिक इनको लिया था, पारिभाषिक नहीं। एक वचन प्रत्यय परतस्तमादेश द्विवचने प्रत्यय पर तो विवाह आदेशो यदि अर्थ आश्रय नहीं हेतु, ऐसे यदि आश्रय करते तो यहाँ फिर आदेश नहीं हो सकता था। पारिभाषिक अर्थ लेते तो परम विधान प्रत्यय प्राधान्यता है आदेश के प्रति, अर्थ प्राधान्यता नहीं रहेगा ना। एक वचन किससे हम लेंगे, पारिभाषिक व्याकरण का एक वचन संज्ञा ऐसा लेंगे तो एक वचन संज्ञा किसका है, सुवावधिक है, उनके प्रत्यय भी होगा, यह अर्थ निकलता। अब हमने पारिभाषिक न लेने से यौगिक ले लिया, नतीजा निकला अर्थगत एकत्व मुख्य है, विभक्ति एकत्व मुख्य नहीं। यदि अर्थाश्रेणी तो त्वाम माम च अतिक्रांतो, अतिक्रांति इति विग्रह है, अति युष्मद् शब्दे अत्यस्मद् शब्दे च युष्मद् स्वर द्विवचने बहुवचने च प्रत्यय परे त्वमौ न स्याताम यापति थी, तथा युवाम आवाम व अतिक्रांत अतिक्रांत इस विग्रह में भी युष्मद् अस्मद् एक वचने बहुवचने च प्रत्यय परे युवावो न स्यातमिति अव्याप्ति स्यात्, अव्याप्ति हो जाती। ननु युष्मद् अस्मद् द्व्यर्थकत्वे, द्व्यर्थक है तो युवावो हुआ, एकार्गत्वे तो तुमौ, इति किम सार्वत्रिक, ये क्या तुम सर्वत्र लगाओगे ये नियम, कहते नो नहीं, ये नियम सर्वत्र नहीं लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा फिर, सूचस गे गस्सु इति, तब दूसरा श्लोक आरंभ किया। द्वितीय श्लोक के अस्मिन उत्तरार्धे त्वाहो इत्यादि तत्त सूत्र प्रतीक ग्रहणम, उसके उत्तरार्ध में जो त्वाहो का वो सु का प्रतीक है, यूयवयो सूत्र का प्रतीक है, जो जस के स्थान में आदेश करने वाला सूत्र, सु के स्थान में आदेश करने वाला सूत्र, सूत्रों का प्रतीक लिया है यहाँ त्वाहो यूयवयो तुभ्यमयो और तोमवो इति, ये जो उत्तरार्ध है वो इति इत्यनंतरम ये इति अध्यारम, इति है ना अंत में दूसरे श्लोक का, उसमें ये
ये करके अध्ययन करना, ये आदेश स्वाहौसौ युजवयोजसी तुभ्यमयो गजी इति सु जस ये गस्व, ये आदेश भी था ते अतियुषम दत्यस्मत शब्दाभ्याम एक अधिव बहुवर्त वृत्तित्व अपी स्यो परम, एक वचन प्रत्यय हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, कोई भी प्रत्यय पर में होगा तो भी होंगे, ये अर्थ करना। ननु तत्रापि द्व्यर्थकत्वे युवाव एकार्थकत्वे तुमौ कुतो न, वहाँ भी द्व्यर्थक हो तो युवाव होना चाहिए, एकार्थक हो तो तुम होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं कहा आपने। इतः एते, तब तीसरा श्लोक हुआ, एते प्रत्यबाधन्ते। तृतीय श्लोक है पूर्वार्धम एकम वाक्यम, पूर्वार्ध पूरा मिला के एक अलग वाक्य बना लेंगे, उत्तरार्ध को अलग वाक्य बनाएंगे आगे के लिए। एते त्वादेह स्वके माने स्वीय विषय, स्वके कर क्या है अपना विषय, क्या अपना विषय है, सूजसादो युवावौ बाधन्ते, सूजसादियों में युवा और आवादेश को बाधित कर देते हैं, उतः क्यों परत्वात् युवा अपेक्षया ये देशां प्रत्यर्थ, युवा और आवा आदेश की अपेक्षा से ये सूत्र चारों पर होने के नाते है। अनवस्तु एवं त्वहादि भीर युवावय और बाधा, ठीक है त्वहादि के द्वारा युवा के बाद हो, लेकिन तुम तो ते भी ऊपर हो, लेकिन त्वम तुम्हारे एक वचन है उस दिन सबसे पर में है, तो खत्म तेर बाधित उनके द्वारा इनका भाव कैसे हो जाएगा इसका। उत्तरार्ध ले आया, वहां क्या काम कर रहे हैं, वहां पूर्व प्रतिषेद कर रहे हैं, पर सूत्र पूर्व प्रति परम कार्य नहीं होगा, परम प्रति पूर्व कार्य कर दूंगा, ये प्रतिषेद सती पूर्व माने पूर्व प्रतिषेद सुपसुपायित समास, पूर्व प्रतिषेद क्या हुआ है, सुपसुपा में समास हुआ, तृतीयांत से तस्य प्रत्यय हुआ है, ये प्रतिषेध सूत्र है परशब्दस्य इष्टवाचितया क्वचित प्रतिषेध पूर्व कार्यस्य प्रकृति आसनात् भाव, कहने का तात्पर्य सूत्र में विप्रषेध सूत्र में परशब्द का इष्टवाचक अर्थ लिया गया, मतलब ये प्रतिषेध परम कार्यम नहीं, ये प्रतिषेध इष्टम कार्यम अर्थ कर दूंगा, परम कार्य वहां इष्टम, विप्रषेध इष्टम कार्य, इष्ट क्या है जैसा लक्षण रो देना, कहीं पूर्व को बाद के कहीं पर को बाद के, ऐसा सूत्रार्थ वहां निर्णय दिया विप्रषेध परम कार्य का। प्रत्योत्तर पदयोषेति सूत्रभाष्य तो, और प्रत्योत्तर पदयोषे सूत्रभाष्य में तो तुम्हारे एक सूत्र है शेष इत्यनुवर्त्य सूचज्ञ गस भिन्न विभक्तिशो यदि व्याख्या, तब तो समस्या ही रहेगा, प्राप्ति नहीं होगा इनसे, भिन्न जगहों में वो प्राप्त होने वाला है, इनमें तो प्राप्त होना है ही नहीं उसने, तो बाध्य बाधक भाव खत्म हो जाती है। तदेव तुम्हारे एक वचने युवावो द्विवचन इत्यत्र एक द्विवचन शब्द और यौगिकत्व आश्रयण से अव्याप्ति परिहारार्थत्व मुक्त्वा अतिव्याप्ति परिहारार्थत्व माह द्वेक संकेय होती, इस तरह अव्याप्ति का परिहार हो गया और अतिव्याप्ति का भी परिहार हो जाएगा, देखो विषमद अस्मद बहुवचन में हो विग्रह वाक्य में परम एक वचन आ जाता समस्त पदार्थ से, तब आदेश नहीं होगा, क्यों युष्मद असमद का अर्थ में बहुत्व है, एकत्व और द्वित्व नहीं है, एकत्वोक्त या द्वित्वोक्त ही होगा ना यह आदेश। द्वेक संख्या यदि चतुर्थ श्लोक है अस्मिन, चौथे श्लोक में बात कही गई यदा तदा इति अध्यार्य, यदा तदा अध्यार करना पड़ेगा, मैंने यदा युष्मान असमान वा, देखो विग्रह क्या किया अभी, युष्मान असमान वा बहुचन विग्रह क्या कर दिया, अतिक्रांत अतिक्रांत विग्रह समासे सती द्वित्व एकत्व विशिष्ट समासार्थ, समासार्थ बोले द्वित्व विशिष्ट हो, समासार्थ एकत्व विशिष्ट हो, लेकिन समस्यमान पदार्थ क्या था, बहुवचन था, समासस्य मुख्य विशेषभूत युष्म संस्कृति तू, इन युष्म संस्कृति कैसे हैं बहुवर्तके, तदा तब क्या होगा युवा बहु तुम च नास्ता आदेश नहीं होंगे, तो हो युष्मद अस्मद द्वित्व एकत्व विशिष्टार्थकत्व भाव, कि यहाँ जो है इस विग्रह वाक्य में युष्मद अस्मद शब्द द्वितीय एकत्व विशिष्टार्थ बोधक नहीं है, युवावौ युवाव विधौ तम विधौ च युष्मद अस्मद और द्वितीय एकत्व विशिष्ट वाचित्व सत्येव प्रवृत्तिर आश्रयणात्, योगिकार्थ प्रक्रम ने स्पष्ट कर दिया था वहां पर
द्वित्वार्थ विशिष्ट विषमद्ध हो, एकत्वार्थ विशिष्ट असमद्ध हो, विषमद असमद्ध हो, तभी आदेश होते हैं। द्विवचने एक वचने जब प्रत्यय परतः, और यदि हम वहां अर्थ द्विवचन पारिभाषिक संज्ञा लेते, एक वचन पारिभाषिक संज्ञा ले लेते, तब तो तत्र अतिव्याप्ति स्याद, ऐसे जगहों में अतिव्याप्ति हो जाएगा। अत्र प्रत्युत प्रदेश सूत्र भाष्ये त्रिचतुर विषमदस्मद ग्रहणेशु अर्थ ग्रहणम की वार्तिक व्याख्या अवसर है। युवाओ द्विवचने तुमा व्यक्तिरिक्तत्र द्विवचन शब्दयोर यौगिकत्व आश्रण उपक्षिप्य युवाम आवाम वातिक्रांत अतिक्रांतो अतिक्रांत विग्रहान प्रदर्श्य वाम माम वातिक्रांत अतिक्रांतो अतिक्रांत इति च विग्रहान प्रदर्श्य अतिविषमद् अत्यस्मत् शब्दयो सूचज्ञे गसोभ्यो अन्यत्र सर्वासु वक्तिषु एक द्विवच बहुजनेषु सर्वत्र युवावो आदेशो त्वमादेशो च उदाहृत्य प्रदर्शितौ। उन्होंने वहां साफ साफ कह दिया है इन चार जगहों को छोड़ करके अन्यत्र सर्वत्र आप आदेश कर सकते हो। सूचज्ञे गसुतो त्वाहो युव्यमयो तुभ्यमयो त्वममो इति एते एव आदेशा उदाहरणाः। तैदं श्लोक चतुष्टयेन संग्रहितम्, इसलिए भाष्यकार का उन जगहों में जो वर्णन किया गया बात को ही यहाँ चार श्लोकों में संग्रह किया हुआ है। तदिदानिम तत् प्रपंचन पर भाषानुसारेण उदाहरित्य प्रदर्शयति, उन्हीं के उदाहरणों को आगे विस्तारपण देंगे, मूल में ही उदाहरणों को देंगे।